हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सबके बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि डोरेमोन का कलेक्शन लेकर आओ। तो गाइज मैं आप सबके लिए डोरेमोन का स्टेशनरी, टॉयज और गैजेट्स का बहुत बड़ा कलेक्शन लेकर आ चुका हूं और पूरा बॉक्स आप देख सकते हो। इतना सारा बॉक्स जो है डोरेमोन की चीजों से भरा हुआ है। यहां पर डोरेमोन की स्टेशनरी है, डोरेमोन के टॉयज है और डोरेमोन के गैजेट्स भी हैं। तो सारी चीजें एक एक करके दिखाने वाला हूं मैं आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना, एंड तक बिल्कुल भी स्किप मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू कर देते हैं गाइस। सबसे पहले यहां पर हमारे पास है डोरेमोन का एक कॉफी मग। यहां देखो लिखा आई एम डोरेमोन, यहाँ डोरेमोन बना हुआ है और यहाँ भी डोरेमोन है, और इसके जो पूरा कलर है डोरेमोन के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ से आप कैप, इसको जो लिड है, लिड हटा के इसके अंदर चाय, कॉफी, जूस कुछ भी पी सकते हो, और इसके अंदर 250 ml वाटर आ जाता है। तो कैसा लगा आपको ये कॉफी मग कमेंट में बताना। मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि इसकी लिड भी साथ में आती है, काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छी क्वालिटी का है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास डोरेमोन का एक फ्लाइंग टॉय है, काफी बढ़िया। ये देखो यहाँ पर डोरेमोन है, इसके ऊपर देखो पंखड़ियां लगी हुई हैं इस तरीके से। और आपने देखा होगा कि डोरेमोन के पास गैजेट होता है, अपनी पॉकेट में से वो फैन निकाल के सिर के ऊपर पहनता और कहीं पर भी उड़कर चला जाता है, आपने देखा होगा, है ना गाइस, कितनी अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो यहां पर चार्जिंग पॉइंट है, आप इसको चार्ज भी कर सकते हो यहां से, और यहां है ऑन ऑफ का बटन। तो इसको जैसे ही ऑन करेंगे ये उड़ना शुरू कर देगा, देख लो, ये देखो गाइस। और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा देखो उड़ के भागता है ये देखो आपने, आप देखो फ्रेम में से बाहर निकलने लगता है और ये क्रैश हो गया। और इसकी एक खास बात ये है कि जब ये क्रैश होता है तो अपने आप ऑफ हो जाता है और दोबारा फिर इसको ऑन करके, ऑफ करके ऑन करना पड़ता है, तब जाके उड़ता है। तो ये इसकी बहुत अच्छी चीज़ है जिससे कि इसकी बैटरी भी खराब नहीं होती है। और हमारे पास इसके बाद एक बहुत ही कमाल की वॉच है डोरेमोन की। यहाँ देखो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, यहाँ पर दो बटन है जिनसे आप टाइम सेट कर सकते हो, और हर जगह इस वॉच के ऊपर भी डोरेमोन प्रिंटेड है। काफ़ी अच्छी वॉच है और ये फिटनेस बैंड वाली लुक देती है, काफ़ी अच्छी लगती है हाथ में। और यहां हमारे पास डोरेमोन है एक पिंक कलर का, काफी बढ़िया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ये एक जंबो पेंसिल शार्पनर है, आपको एक पेंसिल लेनी है और इसके यहां पर नोज के नीचे यहां पर डाल देनी है, और डालने के बाद इस हैंडल को सिर्फ 3-4 सेकंड गोल गोल घुमा लेना है और आपकी पेंसिल शार्प हो जाएगी और सारा डस्ट आप यहां से निकाल पाओगे। देखो इसके अंदर सारा डस्ट यहां पर कलेक्ट हो जाता है जो आप बाद में खाली कर सकते हो, काफी बढ़िया पेंसिल शार्पनर है ये। इसके बाद यहां पर डोरेमोन की हमारे पास एक प्रोजेक्टर वॉच है, यहां पर आप टाइम देख सकते हो और यहां पर एक बटन है, इसको प्रेस करने से इसके अंदर से प्रोजेक्टर इमेजेस निकलती है। तो मैं आपको दिखाता हूं, सबसे पहले हमें इसकी बैटरी एक्टिवेट करनी पड़ेगी। तो यहां पर एक स्ट्रैप लगा होता है, वो आपको हमेशा हटा लेना है। अब इसकी बैटरी एक्टिवेट हो चुकी है, अब ये बटन हम दबाएंगे तो यहां से आप देखो मेरे हाथ पे आपको थोड़ी बहुत जो है शेडो दिख रही होगी, परछाई दिख रही होगी। गाइस ये अलग अलग पिक्चर्स आप इसमें डोरेमोन की देख सकते हो, रात के अंधेरे में इसको यूज करोगे तो ज्यादा अच्छे से आप देख पाओगे। और इसके अंदर टोटल 24 अलग अलग पिक्चर्स होती हैं। और मैं अब आपको दिखाने वाला हूं सबसे ज्यादा मस्त चीज, मैं आपको डोरेमोन की पूरी फैमिली दिखाने वाला हूं। देखो सबसे पहले हमारे पास है डोरामी, और उसके बाद गाइज हमारे पास है यहाँ पर जियान जो सबकी पिटाई करता है, और इसके बाद गाइज हमारे पास है यहाँ पर सुनियो, ये जो बहुत अमीर होता है और घमंडी भी बहुत होता है, और यहाँ पर हमारे पास है नोविता सभी का फेवरेट, और इसकी गर्लफ्रेंड है हमारे पास यहाँ पर सिजुका, और सबका फेवरेट लास्ट में हमारे पास है यहाँ पर डोरेमोन। ये देखो, तो कैसी लगी डोरेमोन की फैमिली जल्दी से कमेंट में बताओ दोस्तों। मेरे लिए तो बहुत फेवरेट है और मैं इनका बहुत खेलता हूँ, मुझे काफी पसंद है। देखो पीछे से भी देखो एकदम रियल लुक है, एकदम सामने से भी ऐसा लगता है सच में मैंने पूरे डोरेमोन फैमिली को हाथ में ऐसे पकड़ लिया है, कितनी सही चीज है ना। और यहाँ पर हमारे पास एक वॉच है डोरेमोन की, यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ डोरेमोन, यहाँ डोरेमोन का पूरा फेस दिया गया है, यहाँ पर देखो डोरामी, नोबिता और सिजुका। और अगर आपको टाइम नहीं देखना है तो आप इसको ऐसे बंद भी कर सकते हो, टाइम देखना हो तो ऐसे बाहर निकाल सकते हो और नहीं देखना तो फिर ऐसे बंद कर सकते हो, काफी अच्छी वॉच है ना। इसके बाद यहां पर डोरेमोन का मल्टी कलरिंग पेन है, यहां पर डोरेमोन का फेस है, यहां लिखा है डोरेमोन, यहां पर डोरेमोन बने हुए हैं। तो आप देखो इसके अंदर 6 अलग अलग टाइप की कलर इंक आपको देखने के लिए मिलेगी, इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे कलर है, बहुत आराम से इस पेन को यूज कर सकते हो। इधर हमारे पास डोरेमोन की वाटर बॉटल है बहुत अच्छी, जिसको आप यहां से गले में टांग कर कहीं भी लेकर जा सकते हो, यहां डोरेमोन बना हुआ है, डोरेमोन लिखा है, यहां पर देखो डोरेमोन के सारे कैरेक्टर है, और यहां से आप जो है इसकी कैप हटा के इसके अंदर वाटर फिल करके आप पी सकते हो, काफी अच्छी वाटर बॉटल है। और इसके बाद इधर हमारे पास डोरेमोन की एक और वॉच है, यहां पर है डोरेमोन का फेस, यहां पर भी डोरेमोन है, यहां पर भी, और यहां से हटा के आप टाइम देख सकते हो, और यहां एक बटन है, इसको प्रेस करने से गाइज आप प्रोजेक्टर इमेजेस देख पाओगे, देखो इसके अंदर भी, और इसके अंदर टोटल 6 इमेजेस होती है। आपको करना क्या,
आता है, ये बटन दबा के रखना है और उसके बाद इसको गोल गोल घुमाना है तो पिक्चर्स चेंज होती हैं। काफी अच्छी प्रोजेक्टर वॉच है ये। और हमारे पास डोरेमोन की एक और वाटर बॉटल है यहाँ पर, काफी बढ़िया। यहाँ पर डोरेमोन बना हुआ है, यहाँ डोरेमोन बना हुआ है, यहाँ पर एक हुक दिया गया है। इसको कहीं पर भी टांगने के लिए आप इसको कहीं पर भी टांग सकते हो, स्कूल बैग में भी इसको टांग सकते हो और यहाँ से आप इसको खोल के इसके अंदर वाटर फिल करके लेकर जा सकते हो कहीं पर भी। और ये एकदम स्टेनलेस स्टील की बॉटल है तो ये गिरने के बाद भी टूटने वाली और खराब होने वाली नहीं है, काफी अच्छी क्वालिटी की बॉटल है। इधर हमारे पास बहुत ही क्यूट एक पिंक कलर का डोरेमोन है और इसके बाद हमारे पास एक ब्लू कलर का बहुत ही प्यारा डोरेमोन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये किचन वाले डोरेमोन है, देखो दोनों के पास स्ट्रैप लगी हुई है, दोनों के ऊपर डोरेमोन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी डोरेमोन बना है यहाँ पर भी, और यहाँ पर दोनों में एक एक बेल लगी हुई है, घुंघरू लगा हुआ है देखो छोटा सा, और देखो कितना बढ़िया है ना। और दोनों के अंदर हुक है जिसकी हेल्प से आप इसको कहीं पर भी टांग सकते हो, कहीं पर भी लटका सकते हो। तो अब आप मुझे कमेंट में बताओ आपको ब्लू डोरेमोन ज्यादा पसंद आया या फिर पिंक डोरेमोन पसंद आया। मुझे लगता है गर्ल्स को पिंक डोरेमोन पसंद आएगा और बॉयज को ब्लू डोरेमोन पसंद आएगा, लेकिन कमेंट में बताओ। और इसके बाद हमारे पास एक पेंसिल केस है बहुत अच्छा, यहाँ पर नोविता है, दो दो डोरेमोन बने हुए हैं, यहाँ एक बटन है, इसको प्रेस करने से ढक्कन खुलता है और यहाँ से कचरा निकाल सकते हो पेंसिल शार्प करके, और यहाँ से ओपन करके यहाँ पर भी आप स्टेशनरी रख सकते हो और यहाँ पर भी स्टेशनरीज की चीजें रख सकते हो बहुत आराम से। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही प्यारा पेंसिल केस है, यह है डोरेमोन का पेंसिल केस। यहाँ पर देखो डोरेमोन के सारे कैरेक्टर बने हुए, यहाँ पर डोरेमोन लिखा हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज का हमने खरीदा है। तो देखो सिंपल इसके अंदर स्पेस है, ये काफी अच्छा है ना। डोरेमोन का छोटा सा पेंसिल केस है, बहुत कम देखने के लिए मिलता है ये वाला। और हमारे पास यहाँ पर डोरेमोन का एक बहुत ही अच्छा पेंसिल बॉक्स है, लिखा हैप्पी, यहाँ डोरेमोन बना हुआ है, यहाँ पर डोरामी बनी हुई है, पीछे भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पर एक बटन है, इसको दबाओ तो यहाँ पर दो दो होल दिखने लगते हैं, यहाँ से पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो और बाद में यहाँ से डस्ट निकाल सकते हो। इसके बाद यहाँ से ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा टेबल लैंप जिसमें रात के अंधेरे में लाइट जला के आप पढ़ाई कर सकते हो और इसको वापस ऐसे बंद कर सकते हो, अगर लाइट जाओ तो ही इसको यूज़ करना। और यहाँ पर भी आप चीज़ें रख सकते हो और पीछे भी आप बहुत सारी स्टेशनरी की अलग अलग चीज़ें रख सकते हो। और यहाँ पर एक और पेंसिल बॉक्स है हमारे पास डोरेमोन का, लिखा हैलो, यहाँ पर एक डायनासोर बना हुआ है यहाँ पर भी और यहाँ डोरेमोन बना हुआ है और पीछे देखो पीछे भी ऐसे ही है। तो इसको ओपन करोगे आप लोग जैसे ही तो यहाँ पर आप देखो 15 सेंटीमीटर का एक स्केल है, एक इरेजर है, एक शार्पनर है और दो डोरेमोन की पेंसिल है राउंड शेप की यहाँ पर, और ये सब रखा है ट्रे के ऊपर। और ट्रे को हटा के ट्रे के नीचे भी आपको स्पेस दिखेगा बहुत सारा अलग अलग फेवरेट स्टेशनरी आइटम रखने के लिए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं सबसे ज्यादा मस्त चीज, हमारे पास यहाँ पर डोरेमोन का एक इलेक्ट्रिक पिगी बैंक है। जी हाँ दोस्तों, ये एटीएम जैसे दिखने वाला एक पिगी बैंक है और यहाँ पर हमने इसके अंदर 3 AA साइज की बैटरीज लगा दी हैं ऑलरेडी। और देखो यहाँ से आप इसके अंदर डाल सकते हो कॉइन्स, मैं आपको डाल के दिखाता हूँ और फिर मैं आपको नोट भी डाल के दिखाऊंगा। तो हमारे पास ये रहा कॉइन, तो हम यहाँ से कॉइन डाल देते हैं, ये कॉइन अंदर चला गया। अब हम नोट डालेंगे, तो नोट कैसे डालेंगे गाइज, हमारे पास 2 नोट है यहाँ पर, नकली नोट है वैसे तो, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे लगाएंगे तो ये मशीन अपने आप नोट खींच लेगी अंदर। देखो अब जैसे इसको टच कराएंगे तो ये देखना अपने आप नोट खींचना शुरू कर देगी गाइज, और ये देखो खींचने वाली, और ये खींच लिया गाइज, यहाँ पर लाइट भी ब्लिंक होने लगी है, देखो खींच लिया ना। अब मैं एक और नोट लगाता हूँ तो ये भी खींच लेगी, देखो देखा गाइस कैसे इसके अंदर साउंड आता है और यहाँ पर लाइट ब्लिंक होने लगती है। अभी लाइट एकदम बंद हो गई यानी कि पैसे अंदर जा चुके हैं और देखो पैसे इसके अंदर हिल भी रहे हैं। अब पैसे निकालेंगे कैसे गाइस, ये खुल भी नहीं रहा है, तो आपको क्या करना होगा गाइस, यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा और इसका पासवर्ड हमने रखा हुआ है 4 times 0 1 2 3 4। और ये देखो ग्रीन लाइट जल गई, अब इसको ऐसे घुमा के हम खोलेंगे तो ये देखो ये रहे हमारे नोट जो हमने इसके अंदर डाले थे, दोनों 2000 के नोट है यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमने सिक्का डाला था वो भी है। जब ये फुल हो जाए तो आप इसको खाली कर सकते हो और इसको बिना पासवर्ड के कोई भी नहीं खोल पाएगा, और आप इसका पासवर्ड भी चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो कैसा लगा है डोरेमोन का इलेक्ट्रिक पिगी बैंक, जल्दी से कमेंट में बताओ, मुझे ये बहुत पसंद है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर एक और पिगी बैंक है, ये मेटल का बना हुआ पिगी बैंक, पूरा लोहे का बना हुआ है, यहाँ पर डोरेमोन का फेस है, पीछे भी डोरेमोन है जिसके ऊपर एक फैन लगा हुआ है उड़ने के लिए। यहाँ से आप पैसे डाल सकते हो इसके अंदर, नोट भी और सिक्के भी, और जब ये फुल हो जाए तो यहाँ से ताला खोल के सब कुछ निकाल सकते हो। और इसके अंदर 2 चाबियां भी साथ में ही मिलती है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास डोरेमोन की एक बहुत ही कमाल की चीज है, देखो ये गाइज बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है, ये पेंसिल बॉक्स भी है और ये एक राइटिंग बोर्ड भी इसके अंदर मिलता है और इसके अंदर बुक होल्डर भी मिलता है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं, सबसे पहले यहां पर आपको दिखेगा एक राइटिंग बोर्ड, इस पे लिख सकते हो आप लोग, यहां पर आप स्टेशनरी रख सकते हो। आप इसको बुक होल्डर कैसे बनाएंगे, तो इसको इस तरीके से खोलना है और यहां पर लेकर आना है, और अब इसको यहां से खोलना है और यहां से खोलना है। अब आप यहां पर बुक रख के पढ़ सकते हो,
जी हाँ दोस्तों, और इसको वापस ऐसे बंद करके रख भी सकते हो, और चाहो तो आप व्हाइट बोर्ड को अलग भी निकाल सकते हो, तो ये अलग भी हो जाता है और वापस से ऐसे लग भी जाता है, तो ये इसकी खास बात है। कैसा लगा ये आपको कमेंट में जल्दी बताओ, मुझे काफी अच्छा लगा ये। और यहाँ हमारे पास डोरेमोन का एक जंबो साइज का पेंसिल बॉक्स है, और ये देखो यहाँ पर नोबिता है, डोरेमोन और डोरामी है, यहाँ पर चार रेड कलर के बटन है। पहला बटन दबाओ तो शार्पनर बाहर आ जाता है, दूसरा दबाओ तो इरेजर यहाँ रख सकते हो, और यहाँ पर भी आप छोटी छोटी चीजें आप अपने फेवरेट चीजें जो है रख सकते हो। और देखो ये बंद हो गया, और इसके बाद यहाँ से इसको ओपन करेंगे, ओपन करते देखो यहाँ पर आप पॉकेट मनी छुपा सकते हो, यहाँ पर पेन पेंसिल लॉक कर सकते हो, एक बटन इसको दबा के यहाँ पर कलर पेंसिल्स रख सकते हो, और यहाँ पर क्रेयॉन्स लॉक कर सकते हो आप इसके अंदर, और यहाँ पीछे नेम क्लास लिख सकते हो, और यहाँ पर भी पीछे भी स्टेशनरी आप अपनी फेवरेट रख सकते हो। अब ऐसा ही हमारे पास एक और जंबो पेंसिल बॉक्स है, लेकिन यह कैलकुलेटर वाला जंबो पेंसिल बॉक्स, तो इसमें कैलकुलेटर दिया गया, ऑन का बटन दबाते कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर भी वही चार बटन है, तो इसको भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये खुल गया यहाँ पर, और यहाँ पर हर जगह आप छोटी छोटी चीजें रख सकते हो छुपा करके। आप शार्पनर है यहाँ पर भी चीजें छुपा सकते हो, क्योंकि इसमें साइड में बहुत सारा स्पेस है, और यहाँ पर भी वैसे ही है, यहाँ पर वही पॉकेट मनी रखने के लिए, पेन पेंसिल लॉक करने के लिए, और कलर पेंसिल्स रखने के लिए। देखो हमने यहाँ पर ऑलरेडी कलर पेंस और पेंसिल रखी हुई है, और यहाँ पर भी क्रेयॉन्स वगैरह रख सकते हो आप लोग, और पीछे भी यहाँ नेम क्लास लिख के यहाँ पर भी स्टेशनरी रख सकते हो। तो आपको कैलकुलेटर वाला जंबो पेंसिल बॉक्स ज्यादा पसंद आया या फिर नॉर्मल वाला पेंसिल बॉक्स ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जल्दी से बताओ, देखते हैं किसको कौन सा पसंद आता है। यहाँ पर एक और पेंसिल बॉक्स है हमारे पास, यहाँ पर एक बटन है, इसको प्रेस करो तो दो दो होल दिखते हैं पेंसिल शार्प करने के लिए, और यहाँ से कचरा निकाल सकते हो, यहाँ पर ब्लेड दो दो तो इसको बंद करते हैं, और यहाँ पर देखोगे यहाँ पर पेन पेंसिल लॉक कर पाओगे, और यहाँ पर भी स्टेशनरीज रख पाओगे आप बहुत सारी। और इसके बाद यहाँ पर डोरेमोन की बहुत कमाल की स्टेशनरी किट है हमारे पास, देखो इसके अंदर तीन तीन अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी देखने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बहुत पसंद आएंगी ये चीजें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिल रहा है एक छोटी सी डायरी डोरेमोन की, देखो कितनी क्यूट और बहुत अच्छी क्वालिटी की है, इसके अंदर काफी अच्छे पेजेस यहां पर दिए गए हैं, देखो कितने अच्छी क्वालिटी के पेजेस, एकदम मस्त पेजेस हैं। और यहां हमें मिलता है एक मल्टी कलरिंग पेन, यहां डोरेमोन बना हुआ है, और यहां डोरेमोन है, यहां पर भी डोरेमोन लिखा भी हुआ है, और यहां पर 6 अलग अलग इंक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग कलर की, मैं दिखाता हूं, ब्लैक है यहां पर, ब्लू है, रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, और पर्पल है, तो 6 कलर्स इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और लास्ट में यहां पर इसके अंदर है एक करेक्शन टेप, ये लिखा है डोरेमोन करेक्शन टेप, जब आप कुछ गलत लिख देते हो तो इसके ऊपर आप टेप को लगा के करेक्ट कर सकते हो उसको। और लास्ट में यहाँ पर एक स्टेशनरी सेट है हमारे पास डोरेमोन का, देखो इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन कर दिया हमने यहाँ पर, और इसके अंदर देखो सबसे पहले हमें मिल रहे हैं यहाँ पर क्रेयॉन्स, तो आप कलरिंग करने के लिए क्रेयॉन्स यूज कर सकते हो इसमें से निकाल के, तो इसके अंदर क्रेयॉन्स आते हैं ऑलरेडी, 6 अलग अलग कलर के क्रेयॉन्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे, देखो कितने सारे कलर हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास बहुत ही प्यारा पेंसिल शार्पनर है, कितना क्यूट है ये, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है इरेजर, काफी क्यूट इरेजर है, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है दो पेंसिल्स राउंड शेप की, काफी क्यूट, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 15 सेंटीमीटर का स्केल डोरेमोन का, देखो कितना प्यारा है। और लास्ट में हमारे पास इसके अंदर पेंसिल केस है डोरेमोन का, यहाँ लिखा है डोरेमोन, यहाँ पर देखो डोरेमोन वगैरह बने हुए हैं, और पीछे A to Z लिखा है, 1 से 9 तक टेबल भी है, और इसको ओपन करके आप इसके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी स्टेशनरी रख सकते हो, पूरा मेटल का है दोस्तों ये। तो दोस्तों मैंने एक एक करके सब कुछ आपको दिखा दिया, पूरा बॉक्स खाली करके डोरेमोन के सारे टॉय, सारे गैजेट, सारी स्टेशनरी आइटम आपको दिखा दी डोरेमोन की मैंने। आई होप आपको मजा आया होगा, मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो यार अभी के अभी, वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और ग्रुप्स में, और वीडियो के कमेंट में जरूर बताना कि कौन कौन सी चीजें ज्यादा अच्छी लगी आपको, और अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हो ये भी बता देना, अपना नाम भी कमेंट में लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।